प्रणाम पंडित जी। आज हम हमारे गांव में कोरी जंगवा में यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, और कौन सा यज्ञ है, कितना प्रकार का यज्ञ होता है, यज्ञ का क्या प्रोसेस है, आज हम लोग सारा प्रक्रिया जो है पंडित जी से जानेंगे, और पंडित जी सारा जानकारी हम लोगों को देंगे। हम इनका परिचय दे दें तो ये हैं हिमांशु शेखर पांडे जी, और ये 22 साल से यज्ञ करवा रहे हैं, तो इनका यज्ञ कराने का जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी जानकार पंडित जी हैं। इनका हम नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आगे इनसे हम बात करते हैं यज्ञ के बारे में। यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है ये सतचंडी यज्ञ है। ऐसे यज्ञ तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं दो चार यज्ञों का नाम गिना दूं। चंडी यज्ञ में ही जैसे सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, कोटि चंडी यज्ञ इत्यादि चंडी में हुए। अब जैसे कि रुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, अति रुद्र यज्ञ, हनुमंत यज्ञ, मारुति नंदन यज्ञ, श्री राम महायज्ञ, विष्णु यज्ञ, भागवत ज्ञान यज्ञ, हरिहर यज्ञ इत्यादि बहुत सारे यज्ञ होते हैं, गणेश यज्ञ, सूर्य यज्ञ। पंडित जी एक चीज़ बताइएगा कि जो इतने सारे यज्ञ होते हैं इसमें ये कॉमन चीज़ क्या है कि जो कि हम लोग को मतलब कैसे देख के पता चले कि यज्ञ हो रहा है, जहाँ यज्ञ का आयोजन होता है वहाँ पे वो और सब चीज़ कॉमन रहते हैं, ऐसा क्या क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले यज्ञशाला बनते हैं, यज्ञ मंडप जो कि 16 स्तंभ से समन्वित होते हैं, और एक एक स्तंभ में एक एक देवता का निवास होता है, तथा उसमें बहुत सारी वेदियाँ बनती हैं, जैसे कि सर्वतोभद्र मंडल बनता है, गजाननादि चतुष्खष्टी जोगिनी मंडल है, वास्तु मंडल है, क्षेत्रपाल मंडल बनेगा, नवग्रह, षोड़श मातृका, सप्तघृत मातृका इत्यादि वेदियाँ बनते हैं, और यजमान को विधिवत छोर कर्म इत्यादि कराकर 10 विध महास्नान कराकर 10 विध दान कराकर अंग प्राश्चित आदि संपन्न कराने के बाद जल यात्रा करते हैं। पंडित जी एक चीज़ बताइएगा, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि यज्ञ मतलब कलश यात्रा जो शुरुआत करते हैं उससे पहले पूजा पाठ का कुछ प्रक्रिया करते हैं, वो कौन सा पूजा करते हैं? पहले जो है अंग प्राश्चित होता है, फिर पापाभा श्री भगवान विष्णु का पूजन होता है, और इष्ट देव का पूजन, जैसे कि इस ग्राम का इष्ट देव दुखिया बाबा हैं, शिव जी हैं, तो उनका अनुमति लिए बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग शिव मंदिर में दुखिया बाबा का यजमान यजमानी के द्वारा विधिवत पूजन कराकर उनसे अनुमति लिए फिर हम लोग जल यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। पंडित जी और एक चीज़ जानना चाहते हैं कि यज्ञ में बहुत सारे जो है कन्याएं घड़ा लेकर के जो सर में पानी लेकर लाने के लिए जाते हैं और बहुत सारा संख्या रहता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो ये जो कन्याएं जा रही हैं ये सभी जल यात्रा के लिए जा रही हैं। जल यात्रा गाजे बाजे के साथ होता है और मस्तक पर कलश होता है। कलश यात्रा ये यज्ञ का अंग है, इसको जल यात्रा कहते हैं। जल स्थान पर जाकर, अभी आप जहां जल ले रहे हैं ये स्थान पताल गंगा के नाम से जाने जाते हैं। यह जो जल है अनवरत अपने आप चलता रहता है, इसमें न कोई लाइन लगा हुआ है या मोटर लगा हुआ है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये आपरूपी जल का प्रवाह हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से विधिवत जल यात्रा करते हैं। इसमें नववर्धिनी कलश बिठाया जाता है, कलश का पूजन होता है,
सप्त जल मातृका का पूजन होता है, सप्त स्थल मातृका का पूजन होता है, सप्त जीव मातृका का पूजन होता है, सभी तीर्थों का पूजन होता है, सभी कलशों का पूजन होता है, द्वादश आहुति पड़ते हैं जल में। सारा प्रक्रिया करने के बाद जल यात्रा किया जाता है। यह यज्ञ का अंग है और इसमें जल में ही सारे देवता निवास करते हैं, इसलिए जल यात्रा की जाती है। बीच रास्ते में आप देखेंगे कि क्षेत्रपाल की बलि दी जाती है आधे रास्ते पर। वो क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपाल जो देवता हैं, भूत प्रेत इत्यादि सबको वहाँ भोजन दिया जाता है, सबके नाम से पूजन किया जाता है और फिर सभी मंदिरों में भ्रमण करते हुए कलश को लाकर जगमंडप की परिक्रमा करते हुए कलश रखा जाता है। इसके बाद हम लोग इनका विधिवत पंचांग पूजन करेंगे। पंचांग पूजन होने के बाद फिर ब्राह्मण वरण होगा, ब्राह्मणों का पूजन होगा और जगमंडप के द्वार पूजन होंगे। फिर यजमान द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाएगा। मंडप में यज्ञ करने की अनुमति यजमान लेंगे क्योंकि यह मंडप ब्राह्मणों का है और ब्राह्मणों को उनका उचित दक्षिणा देने के बाद यज्ञशाला में यज्ञ करने का अनुमति उनको मिलेगा, फिर वे यज्ञ करेंगे। यज्ञ जैसे कि सत्चंडी यज्ञ हुआ, ये यज्ञ विशेष रूप से अगर किसी का पुत्र नहीं हो रहा, किसी का वंश वृद्धि नहीं हो रहा हो तो गरुड़ पुराण कहते हैं कि सत्चंडी यज्ञ करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। फिर शिव आराधना से, पार्थिव पूजा से भी पुत्र की प्राप्ति होती है और हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है इत्यादि। यज्ञ से कोई ऐसा काम नहीं है, मनोकामना नहीं है जो कि पूरा नहीं होता। शास्त्र कहता है जपवल तपवल जोगवल विद्यावल अरुज्ञान शबवल तेवल यज्ञवल बर नहीं वेद पुराण। यानी यज्ञ से ऊपर कुछ है ही नहीं। यज्ञ स्वयं यज्ञेश्वर हैं, वह कौन है तो नारायण हैं। और यज्ञ जिस देवता के नाम से निमित्त से यज्ञ होता है उसमें जो हम लोग हवन करते हैं, साकल्य जो डालते हैं स्वाहा कह के, वह भोज्य पदार्थ भोग उस देवता को प्राप्त होता है और वे देवी हों या देवता हों वे हम पर प्रसन्न होते हैं, फिर हमारी मनोकामना के अनुकूल वो हमें वरदान देती हैं। मैया वरदान देती हैं, बाबा वरदान देते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इतना ही नहीं, हम लोग जो कहते हैं विश्व का कल्याण, तो यह यज्ञ चाहे यज्ञकर्ता कोई एक व्यक्ति हो सकता है, खर्च कोई एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो यज्ञ होता है यह विश्व कल्याण के निमित्त ही होता है। कहिएगा विश्व कल्याण कैसे, तो आगे हम इसको बता चुके हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यानी कि हम सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए विशेष रूप से क्या चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए। ये कहाँ से आएंगे, अन्नाद भवन्ति भूतानि, यानी सभी जीवों को पालन के लिए, पोषण के लिए, जीविका निर्वाह के लिए अन्न का जरूरत है और वह अन्न हमें जब तक वर्षा नहीं होगी तो प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात वर्षा होना अनिवार्य है। वह बारिश कैसे होती है, मेघ के द्वारा। वह मेघ कैसे बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो यज्ञ के द्वारा। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ होना अनिवार्य है, हर किसी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में तन मन से सहयोग करना चाहिए, धन दौलत से सहयोग करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए। यज्ञ से, यज्ञ के कारण जो बारिश होती है, जो वर्षा होता है, जो मेघ उत्पन्न होते हैं,
वह मेघ क्या केवल हमारे भारतवर्ष में ही जल बरसाते हैं क्या? नहीं, मेघ संपूर्ण विश्व में जल की वर्षा करते हैं और वह जल से पूरा विश्व पोषित होता है, सुरक्षित होता है। जल की आवश्यकता सबको है, जल ही जीवन है, बिना जल से कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो वह जल देने का काम यज्ञ करता है, इसलिए हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं, विश्व कल्याण होता है। ब्राह्मण भोजन यह साक्षात भगवान का भोजन है। इस तरह से यज्ञ संपूर्ण किया जाता है, अंत में यज्ञ की पूर्णा होती है, ब्राह्मण भोजन होते हैं और दीन दुखियों को भोजन कराया जाता है, बहुत सारे दान दिए जाते हैं। इस तरह से यज्ञ पूर्ण होता है।